यहाँ पर आप जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर एक चीज है बेटा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका, सबसे पहले जो आपको बता दूं कि जो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फर्स्ट होगा वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, और सेकेंड जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, तो ऑक्सीजन की है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आपका जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज है जो स्टार्ट हम लोग करेंगे वो आपका जो होगा वो ऑक्सीजन से होगा, और सब कुछ जो डिपेंड करेगा बेटा वो किसके ऊपर कर रहा था, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो देखोगे तो आपका जो होगा वो पार्शियल प्रेशर। याद होगा लास्ट क्लास में पार्शियल प्रेशर बताया गया था, क्या चीज होगा बेटा थोड़ा सा बताइए, पार्शियल प्रेशर किस किस को याद है? पार्शियल प्रेशर बताया गया था, पार्शियल प्रेशर के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइए, फिर जो है आपके जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग हैं, और ये चीज बिल्कुल आपको समझना है बेटा। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है कि आप ये बताइए पार्शियल प्रेशर क्या था। बिल्कुल मैसेज आया, एक सेकेंड। हाँ, इसमें जो है कि फ्रॉम हायर से होगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो इसका जो आपको डेफिनेशन है तो सिंपल मैं लिख भी देता हूं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो CNC, ऊपर N लिखा गया, मीनिंग जो है वो कंसंट्रेशन होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, और ऑफ अदर गैसेस। तो यहाँ पर जो ये है आपको जो डेफिनेशन होगी ये जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा पार्शियल प्रेशर का। अगर यहाँ पर सिंपल बोला जाए बेटा कि जो पार्शियल प्रेशर में मूवमेंट कहाँ से होगा, तो हमेशा याद रखना जो मूवमेंट होगा वो हायर पार्शियल प्रेशर से जो होगा। यश ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा बेटा वो हमेशा याद रखना जो मूवमेंट होगी गैसेस की वो कहाँ से होगा, तो हायर प्रेशर से जो देखने को मिलेगा आपको लोअर प्रेशर की तरफ देखने को मिलेगा। तो एक चीज इसमें बिल्कुल क्लियर रहिएगा। अब इसी में जब देखोगे तो सर ने तो एक चीज और बोला था जिसमें जब आप बात करोगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ा था तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन याद होगा फर्स्ट जब लीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये भी चीज आपको याद होगी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन को जो आप लोग बोलते थे वो एक्सटर्नल एक्सचेंज था, और इसी में जो सेकेंड आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपका टिश्यू लेवल एक्सचेंज, ये भी आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर याद होगा कि जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था वो सेकेंड जो था वो टिश्यू लेवल एक्सचेंज था, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब टिश्यू लेवल एक्सचेंज जो था बेटा वो जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो टिश्यू लेवल एक्सचेंज था वो क्या था, तो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन था। मतलब कि यहाँ पर हम रेस्पिरेशन क्या चीज है कि सिंपल जब ऑक्सीजन आपका आएगा वहां से प्रोडक्शन किसकी होगी, एनर्जी की होगी, ATP की होगी। तो इसमें हम लोग सिंपल किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर। और हमेशा जो देखेंगे तो गैस की जो मूवमेंट होगी वो हायर पार्शियल से लोअर पार्शियल होगा, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। और डबल सर्कुलेशन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, जो हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि जो CBSE के बच्चे थे उन्होंने जो है ये चीज 10th में पढ़ा था, जो स्टेट बोर्ड के होंगे वो उन्होंने आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो 9th में पढ़ा होगा। थोड़ा सा याद करना है, याद कीजिए बेटा लंग्स में एयर इंटर कर रहा था, लंग्स से जो है वो कहाँ की तरफ मूवमेंट कर रहा था, हार्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा था। हार्ट में आपको क्या बोला गया था कि 4 चैम्बर होता है ह्यूमन में, जिसमें आप लोगों ने देखा था 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, तो वो भी चीज यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जब देखोगे तो पल्मोनरी एक्सचेंज हो गया, और सेकेंड जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो टिश्यू लेवल एक्सचेंज होगा, ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखना है।
और सभी चीज जो डिपेंड करेगा बेटा वो किसके ऊपर करेगा, तो वो जो है आपका पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसी को समझने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर क्लियर बना दे। अब जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे तो आपको जो है वहां पर क्लियर जो है वो समझ आ जाएगा। कैसे, याद करिए, आप लोगों ने जो पढ़ा था वो एल्वियोलाई पढ़ा था, ठीक है, सर ने एल्वियोलाई पढ़ाया था, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल क्या चीज हो गया, आपका एल्वियोलाई बन गया। अब एल्वियोलाई बन गया बेटा, तो जब हम लोग यहीं से जब करोगे, जब इनहेल्ड पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो यहाँ पर जो देखोगे तो सिंपल क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लिखेंगे तो वो जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ इनहेल्ड एयर। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा कि आपको जो लिखना है वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इनहेल्ड एयर, ठीक है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए। यहाँ पर किसका लिख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इनहेल्ड एयर कितना है, तो यहाँ पर जो होगा बेटा वो सिंपल जब लीजिएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। सेकेंड किसका पार्शियल प्रेशर लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर जो सेकेंड होगा बेटा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें कितना है सर, दोनों का, तो मेजर कैसे करेंगे बेटा, तो एमएम ऑफ मरकरी में, तो यहाँ पर जो मेजर करेंगे वो होगा एमएम ऑफ मरकरी में, और कितना होगा ऑक्सीजन का, तो वो जो होगा आपका 159। ये जो सिंपल होगा ये हो जाएगा आपका एमएम ऑफ मरकरी। ये सिंपल आपको जो है जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर आपको बोला गया कितना है, तो 159 आपको क्लियर याद रखना है। सर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपको देखने को मिलेगा कि 0.3 एमएम ऑफ मरकरी, ये चीज आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो इनहेल्ड, जो एयर इनहेल कर रहे हैं। जब आप सांस लेते हो बेटा तो नॉर्मली जब देखेंगे जो एयर इनहेल हो रहा है उसका पार्शियल प्रेशर आपको ऑक्सीजन का 159 बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया 0.3 एमएम ऑफ मरकरी। अब ये जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जब बात करोगे कि ये तो है कि जब इनहेल्ड एयर जब इनहेल कर रहे हैं तब हो रहा है, लेकिन जब बेटा ये जो आप देखोगे कि जो ब्लड है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फंक्शन पढ़ा था सर, ये तो क्या करता है कि आपको जो एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो भी गैस इनहेल होता है एक्सचेंज देखने को मिलेगा और क्या करेगा, तो ये जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो सिंपल देखोगे बेटा तो ये जो पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है, अगर इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, तो ये पहला पार्शियल प्रेशर आप लोग याद रखिए। ये पार्शियल प्रेशर कौन सा पार्शियल प्रेशर है, ये जो पार्शियल प्रेशर है बेटा वो इनहेल्ड एयर का है। इसके बाद जब आप सेकेंड देखोगे बेटा कि जो आपका एल्वियोलाई है ये वाला, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर सर कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इनहेल कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर आपको बताया गया, एल्वियोलाई का क्या होगा, तो यहाँ पर जो सिंपल लिखेंगे तो क्या चीज होगा, पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, इन एल्बियोलर एयर, ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर किसका लिख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो एल्बियोलर एयर है उसका बताना है। सर ये कितना होता है, जब यहाँ पर फिर से लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों का लिखना है, क्योंकि दोनों जो आपको एक्सचेंज होता है बेटा, क्योंकि जब आप एयर लेते हो ऑक्सीजन इंटर होता है, जब एक्सेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है, तभी जो आपको देखने को मिलेगा वो एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो सिंपल होगा बेटा वो लिख देते हैं 104 mm of mercury। ये कितना हो गया 104 mm of mercury आपको देखने को मिला एल्वियोलर एयर का पार्शियल प्रेशर, कौन सा है तो ऑक्सीजन का है। इसी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लोगे बेटा तो वो जो होगा वो 40 mm of mercury। ये दो पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ से देखोगे तो आपका जो इनहेल हो रहा है उसका पार्शियल प्रेशर, जो एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है जो एयर वहां पर है जो एल्वियोलर एयर है उसका पार्शियल प्रेशर,
कितना हो गया, पहला आपका 159 हो गया और 0.3 हो गया, क्योंकि जब इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है बट होगा। तो यहाँ पर आपको जो पार्शियल प्रेशर है बेटा वो वेरी कर रहा है, ये आपको क्लियर दिखेगा। और सेकेंड जो पार्शियल प्रेशर है ये आप जो है वो बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो सिंपल क्या चीज होगा कि जो एक्सचेंज होगा वो आपका पॉसिबल हो पाता है। अब कैसे हो पाता है बेटा, तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल है कि आ जाते हैं, अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो सिंपल जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये आपको जो ग्राफ के थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो आपको समझाया जाए। और यहाँ पर बेटा याद रखिएगा, आप लोगों ने जो डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, डबल सर्कुलेशन में बता भी दूंगा जब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आपका जो पढ़ा था 9th-10th में वो चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल बताई जाएगी। तो ये जो देखोगे सिंपल हम लोग जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, यहाँ पर जस्ट जो है ये जो होगा सिंपल आपके टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये टिश्यू होगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है आपको सेल्स और टिश्यू लेवल दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन जाएगा, रेस्पिरेशन जब होता है, सिंपल आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, क्या फॉर्म होगा आपका, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो हम लोग ले लेंगे, ये आप ले लीजिए एल्वियोलाई बना दिया। अब यहाँ पर जो देखोगे तो डिफरेंट जो पार्शियल प्रेशर है बेटा वो हम लोग लिख देते हैं। अब डिफरेंट पार्शियल प्रेशर कितना था, तो ये जो देखोगे सिंपल जो एल्वियोलाई है यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना था, जब सिंपल बोलोगे तो यहाँ पर जो आपको बताया गया कि PO2 एंड आपका PCO2 कितना है, तो PO2 और PCO2 यानी कि 104 जो था वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताया गया, और यूनिट क्या हो गई, तो mm ऑफ मरकरी में सर, तो बिल्कुल ठीक है mm ऑफ मरकरी कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था बेटा, तो वो जो था वो आपका 40 mm ऑफ मरकरी था, बिल्कुल था, बिल्कुल यहाँ पर आपको लिख दिया गया कि 40 था। एल्वियोलर एल्वियोलर एयर का आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर देखा भी। अब बेटा बात ये आती है कि ये दो तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्या चीज होगा, कैसे एक्सचेंज देखने को मिलता है। अगर एक सपोज एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ऑक्सीजन का 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो एल्वियोलाई। अब इसी में मान लेते हैं कि जो एक्सचेंज होगा जो ब्लड है, ठीक है, एक सपोज कर लेते हैं कि एक्सचेंज होगा तो एल्वियोलाई रीजन में हो रहा है और आपका ब्लड में हो रहा है। तो ब्लड में अपन सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो मान लीजिए कि आपका 95 है, 95 mm ऑफ मरकरी। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है कितना, तो यहां पर ले लेते हैं 48, ठीक है। अब ये दो पार्शियल प्रेशर आपको लिख मिल गया, जिसको आप सिंपल लिख दोगे तो किस में लिख दोगे, mm ऑफ मरकरी में। अब बेटा अगर यही ब्लड लंग्स के पास आता है, जैसे कि ये आपका एल्वियोलाई था, यहाँ पर ये ब्लड आता है, तो आपको एल्वियोलाई के पास का पार्शियल प्रेशर मालूम है, ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है वो मालूम है। तो अब यहाँ पर दोनों में कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने का मतलब सिंपल देखो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा कहाँ पर है, ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पर है, फटाफट मैसेज करके या कुछ भी करके आप बताइए, म्यूट भी कर सकते हो, कि ज्यादा जो अमाउंट है वो कहां पर है, ज्यादा देखेंगे बेटा तो ये सिंपल है, जिसने बताया गुड बेटा। यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर आपको ज्यादा है, मतलब कि एल्वियोलाई में। जब यही चीज आपका ब्लड में बोला गया तो ब्लड में कितना है, तो ब्लड में आपको जो है वो 95 बताया गया। तो यहाँ पर सिंपल जो है कि बेटा आपको दो बताए गए, तो यहाँ पर जब सिंपल समझोगे तो यहाँ पर जो है वो मूवमेंट कहाँ से होगा, बिल्कुल देव ने सही बोला, एल्वियोलाई में है बेटा। तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो ये अगर एल्वियोलाई है तो यहाँ से मूवमेंट जो होगा वो ऑक्सीजन का जो होगा
वो ब्लड की तरफ होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि मूवमेंट जो होगा वो कहां से होगा, तो हायर प्रेशर से होगा और लोअर की तरफ होगा। तो सिंपल जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज हो गया कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। यश ने भी सही बोला बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। पहला कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। दूसरा कंपेरिजन करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में कितना है, तो 40 बताया। इसी में जब देखोगे तो एल्वियोलाई में 40 है और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है लंग्स के पास, उसके पास कितना है, तो वो जो है आपका 48 है। जब 48 है तो मतलब कि ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड से जो होगा बेटा वो आपका लंग्स की तरफ होगा। इट मीन्स ये जो देखेंगे तो सिंपल जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा और वो वही चीज रहा है, मतलब कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर ही मूवमेंट कर रहा है। ऑक्सीजन का हायर प्रेशर एल्वियोलाई में है, ब्लड में कम है, तो सिंपल है कि एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूवमेंट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा ब्लड में ज्यादा है तो वो किस तरफ मूवमेंट करेगा, एल्वियोलाई की तरफ करेगा। बिल्कुल वही चीज हो रहा है, अलग कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर सपोज करो, मान लो एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो आप जब देखोगे अगर मूवमेंट करना हुआ कहां से कहां करेंगे, सिंपल है, जहां पे ज्यादा होंगे वो कहां मूवमेंट करेंगे, जहां पे बच्चों की जो नंबर है वो कम होगा, मतलब हायर से लोअर। सेम चीज हो रहा है सर, यहाँ पर क्या है, तो पार्शियल प्रेशर है, तो हायर पार्शियल प्रेशर से मूवमेंट लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा। सेम चीज आपको यहाँ पे बताई गई। और जब आपका 104 पार्शियल प्रेशर है बेटा, तो वो जो मूवमेंट कर जाएगा वो लोअर की तरफ करेगा, मतलब कि जो है एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ आएगा। अब इसी में जो सिंपल देखा कि यहाँ पर जो क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो इनहेल हुआ वो जो है वो सिंपल आपका ब्लड की तरफ, और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की तरफ। ये दो इंपॉर्टेंट गैसेज है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस मालूम होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट समझते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या पॉसिबल है। अब यहीं पर देखोगे तो मैं एक एग्जाम्पल यहीं पर दे देते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो रीजन है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, P फॉर पार्शियल प्रेशर है, पीपी नहीं लिख रहे हैं, आप पीपी भी लिख सकते हो और पी भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा वो आपका 40 है, ठीक है। ये जो ब्लड आ रहा है ये बाद में समझेंगे, और इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो जो आपका है वो 45 से 48 ले लेते हैं। और ये आपको बेटा जो पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं ना, जब टिश्यू लेवल पे देखोगे तो आपको अलग दिखेंगे। अलग क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंपल जब देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ज्यादा मोर एक्टिव टिश्यू है, सेल्स है, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और जो लेस एक्टिव है वो क्या करेगा, लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो पार्शियल प्रेशर जो है आपको वेरी करेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिख दिया गया वो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो जिस टिश्यू का ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा सेल्स एक्टिव है, तो वहां पर जो देखने को मिलेगा वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा, जो लेस एक्टिव है वहां पर जो देखने को मिलेगा आपको लेस देखने को मिलेगा। अब यहीं पर देख लीजिए बेटा, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और ये जो देखोगे तो एल्वियोलाई में, तो यहाँ पर जो देखोगे तो एल्वियोलाई में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ये जो है सर कि यहाँ पे 104 दे दिया एल्वियोलाई में आपने, और ब्लड जो आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है लंग्स की तरफ, इसमें कितना है, तो यहाँ पर सर आपने 40 बताया। सिंपल क्या चीज होगा बेटा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो मूवमेंट कर जाएगा ब्लड की तरफ। तो ये जो सिंपल देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पर, 40 है। यहाँ पर कितना है, 45 से 48 है। हायर से लोअर मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपको जो चला जाएगा वो एल्वियोलाई की तरफ इंटर कर जाएगा, चला जाएगा। तो ये जो सिंपल है मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है,
इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो आपका जो है वो पार्शियल प्रेशर है, हमेशा मूवमेंट हायर से लोअर होगा। चलिए ये सिंपल समझने के लिए था बेटा। अब ये चीज आप हर चीज देखेंगे, ये जब ऑक्सीजन देखोगे बेटा तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, और यहीं पर आपको फिर से देखना है कि यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन का देखोगे बेटा, ये जो हो जाएगा वो 95 हो जाएगा। इसी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा बेटा वो 40 से लेकर 42 हो सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये लंग से है देखने को मिल रहा है, तो लंग से देख रहे हैं तो इंटर करेगा ऑक्सीजन, तो वहां पर क्या है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना बताया गया, 40 से 42 बताया गया। अब बेटा ये जो सिंपल है ये मूवमेंट कहाँ की तरफ करेगा, थोड़ा सा टेंथ से याद करिए, डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, ये जो मूवमेंट करेगा वो किधर की तरफ करेगा, किधर की तरफ करेगा बेटा, थोड़ा सा आप लोग इसको बताइए। ये जो सिंपल है एयर एल्वियोलाई से मूवमेंट कर गया, अब ये किधर की तरफ जाएगा, ये किधर की तरफ मूवमेंट करेगा, सिंपल समझो ना, एयर लिया, एयर इनहेल किया, एल्वियोलाई एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज जो होगा तो वो फिर कहाँ जाएगा, तो वो जो सिंपल है आपको जो देखने को मिलेगा, जो आपने जवाब दिया बेटा यहाँ पर हार्ट की तरफ, बिल्कुल पार्थ ने सही बोला बेटा, वो कुणाल ने बिल्कुल सही बेटा, कि ये जो मूवमेंट करेगा वो हार्ट की तरफ करेगा। हार्ट जो होता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डायग्राम, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, जो सिंपल जब देखोगे तो ये जो था वो टेंथ में हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा। हार्ट में जब सिंपल देखा गया था तो वहां पर आपके 4 चैम्बर्स थे, याद है ना, 4 चैम्बर्स आप लोगों ने पढ़ा था। ये जो है वो आप लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया कि ये जो है आपका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से जो है वो जो मूवमेंट करेगा वो कहाँ करेगा सर, तो वो जो करेगा वो लेफ्ट ऑरिकल की तरफ करेगा बेटा, LA, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब लंग से जो है वो सिंपल जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट ऑरिकल की तरफ होगा। सर जो ब्लड मूवमेंट कर रहा था उसको तो क्या बोल रहे थे, वहां पर भी हम लोग जो बोल रहे थे बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे थे, ये भी जो है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लंग से हार्ट की तरफ मूवमेंट हुआ, कौन सा जो है बेटा ब्लड वेसल लेके आता है, ये कौन बता सकता है, कौन सा ब्लड वेसल लेके आता था बेटा, याद होगा तो वो जो सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था पल्मोनरी वेन। ये चीज सिंपल याद रखिएगा, जो आपका लंग से ब्लड जो लेकर आता है हार्ट की तरफ वो जो होगा वो आपका पल्मोनरी वेन था, बिल्कुल सही बोला, नहीं वेना कावा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आरबीसी भी नहीं होगा, पल्मोनरी वेन होगा। ये चीज याद करोगे तो वो जो सिंपल लेके आ रहा था फर्स्ट जो है आपको लंग से लेकर आ रहा था वो पल्मोनरी वेन था। अब यहाँ पर देखो बेटा लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से जो मूवमेंट हो रहा था वो कहाँ की तरफ हो रहा था, तो वो जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हो रहा था। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हुआ बेटा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप हो रहा था वो कहाँ की तरफ हो रहा था, तो वो जो है कि आपका जो टिश्यू है वहां की तरफ आपको मूवमेंट दिखेगा। तो मतलब जब सिंपल बोला जाए तो ये जो सिंपल देखोगे तो ये जो मूवमेंट है आपके जो टिश्यू है वो आपको इधर की तरफ क्लियर मूवमेंट दिखेगा कि टिश्यू की तरफ मूवमेंट हो रहा था। कौन करता है बेटा, तो कौन करता है सर, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है तो वो जो लेकर जाता है ब्लड वेसल, सिंपल जो उसको बोलोगे वो था आपको एरोटा। ये जो काम करेगा वो एरोटा करेगा, लेकर आने का काम लेफ्ट ऑरिकल में आपको पल्मोनरी वेन करेगा, फिर आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होगा तो ब्लड जो ट्रेवल करेगा वो थ्रू एरोटा करेगा। अब इसी में जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है वो थोड़ा सा देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो आपको 95 है ना, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बोला गया कि 40
से लेकर 42 है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब इसी में जब देखोगे बेटा कि आगे क्या चीज होगा, तो ये जो आपका मूवमेंट हुआ, तो अगर हम ले लेते हैं यहां से एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जो देखोगे तो आपका टिश्यू लेवल का भी पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको बोला गया कि अगर मोर एक्टिव सेल्स है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेस एक्टिव है तो लेस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो 20 mm ऑफ मर्करी है, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 है। इसी में जब पार्शियल प्रेशर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो यहाँ पर जो ले लेते हैं वो 58 mm ऑफ मर्करी ले लेते हैं। ये पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, तो ये जो है वो टिश्यू लेवल पे है। इसी में जब देखोगे बेटा बुक्स में जो दिया गया होगा वो 40 होगा पार्शियल प्रेशर, और यहीं पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होगा। लेकिन फर्क क्या है बेटा कि जब आपको मोर एक्टिव होगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ज्यादा होगा, लेस एक्टिव होगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस लेस होगा। ये दिमाग में रखना। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड आप कोई भी लोगे, बात जो है वो वही होगी, हायर से लोअर मूवमेंट होगा। अब यहां पर देखो ये जो आपका ब्लड में दिख रहा है ये भी आपको क्लियर दिखा। अब ये जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, 20, यहाँ पर कितना है बेटा 90। तो यहाँ पर सिंपल जब बोलोगे तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ होगा, आपको जो होगा वो टिश्यू की तरफ होगा। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का देखोगे तो 40 से 42 है, यहाँ पर कितना है तो 58 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कहाँ होगा, जो ब्लड वेसल है वो उसकी तरफ होगा। तो मतलब कि ये टिश्यू से मूवमेंट हो जाएगा आपको ब्लड वेसल की तरफ। ये सिंपल आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम है तो आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये आपको सिंपल जाएगा क्योंकि हायर से लोअर मूवमेंट होना है। इसी में जब देखोगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और यहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ये जो होगा वो 40 जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा वो 45 से आपका 48 हो जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। इसके बाद सर कहाँ पे मूवमेंट करेगा हमारा, तो ये जो सिंपल देखोगे तो ये जो मूवमेंट करेगा बेटा वो किसमें करता है, थोड़ा सा याद कीजिए, याद होगा तो हम लोगों ने बोला था कि ये जो मूवमेंट करेगा वो राइट ऑरिकल में करेगा, डबल सर्कुलेशन। फिर से जो मूवमेंट होगा तो राइट ऑरिकल से होगा आपको राइट वेंट्रिकल की तरफ, बिल्कुल होगा। राइट वेंट्रिकल से जो देखेंगे बेटा तो ये जो है वो कहाँ मूवमेंट कर जाएगा, तो आपको फिर से लंग्स की तरफ आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। हाँ, रीज्वाइन करना है, 5 मिनट टाइम दीजिए बेटा, इस पहले कंसेप्ट समझिए, मैं दोबारा उसके ऊपर कर दूंगा। अब एक चीज याद रखना, जो देव ने बोला बेटा कि ये जो आपको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको जो लेकर आ रहा है, ये कौन लेकर आ रहा है बेटा, तो ये जब सिंपल देखोगे तो ये जो लेकर आता है बेटा देव, याद रखना, ये जो होगा वो होता है वेना कावा। ठीक है, आपने जो बोला ये जो कैरी करेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहाँ लेकर आता है, तो राइट ऑरिकल में लेकर आता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेकर जाएगा वो जो होगा बेटा आपका जो सिंपल होगा कि ये जो आपको दिखेगा, ये जो होगा ब्लड वेसल यहाँ पर, ये जो होता है वो है आपको पल्मोनरी आर्टरी जो है बेटा वो आपको फिर से लेकर जाएगा। किधर की तरफ लेकर जाएगा, तो वो लंग्स की तरफ लेकर जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या चीज हो गया, ये आपको जो सिंपल देखने को मिला कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, और सभी जो देखिएगा तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर कर रहा है। तो ये जो देखिएगा बेटा, इधर से जो मूवमेंट हुआ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हुआ, इधर से जो देखोगे तो कौन सा ब्लड लिखेंगे, तो ये जो होगा वो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये सिंपल आप लोगों ने पढ़ा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका फाइनल, यही आपको कंसेप्ट जो है बेटा वो यूज करना होता है। ये एक बार आप लोग देखो, अभी टाइम है, इसके अंदर 2-3 मिनट है, जब दोबारा से ज्वाइन करोगे दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा।
दूसरे तरीके से अगर जिसको लगता है कि ये तरीके से नहीं समझ आया तो फिर जो है बेटा हम दूसरे तरीके से एक बार और ट्राई करेंगे, जिससे जो है ये चीज आपको क्लियर हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, एक बार बस आप इस चीज को देख लीजिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये बिल्कुल बेटा आपको समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है और पूरा एफर्ट लगा के बेटा इसको हम लोग समझेंगे।